तो आज हम बात करेंगे कि जो भी काम आपको करना है उसे तुरंत अभी करने की आदत डालिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं न सिर्फ तुरंत करने की आदत रखते हैं बल्कि अपने आने वाले कल का भी प्लान करते हैं, अपने डेली शेड्यूल को प्लान करते हैं कि आज हमें क्या करना है, आज हमें पूरे दिन में क्या करना है। आपने किसी भी सेलिब्रिटी की जब इंटरव्यूज देखे होंगे, सुने होंगे, तो आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि ये डेट अवेलेबल नहीं थी, यानी कि उस डेट का वो प्लान कहीं और कर चुका था, ये डेट मुझे कहीं और देनी है, किसी और इवेंट्स के लिए देनी है। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी है, अगर हम किसी भी काम को जल्दी करने की या तुरंत करने की हैबिट नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं पीछे चलते जाएंगे। सपोज करिए कि डेली किसी काम को आप टालने में 10 मिनट का समय देते हैं और ऐसे ही लगातार आप एक साल तक करते गए, किसी ना किसी काम में 10 मिनट तक आप पीछे करते गए उस काम को, तो कहीं ना कहीं आप 3650 मिनट पीछे चले जाएंगे। अगर इसी 3650 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो ये करीब 60.5 होगा, यानी कि 60 घंटे से ज्यादा का समय। अगर इसे दिन में कन्वर्ट करें तो ये करीब करीब 2.5 दिन का होता है, और 2.5 दिन में आपको पता है आप यहाँ से दिल्ली पता नहीं कितनी बार जा सकते हैं फ्लाइट से और आ सकते हैं, ऐसे ही आप दूसरे देशों में जा सकते हैं और आ सकते हैं। और 2.5 दिनों की कीमत आप उनसे पूछिए जो किसी एग्जाम में कहीं जाना था और ट्रेन उनकी लेट हो चुकी थी, वो 1 मिनट की कीमत समझते हैं, बट 2.5 मिनट तो बहुत होता है। आप उस 2.5 मिनट की कीमत उस रेसर से पूछिए जो 4 साल तक मेहनत करता है केवल उस 40 सेकेंड के लिए। तो हमको फिर भी अपना टाइम कहीं ना कहीं बहुत वेस्ट करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं केवल टालम टोल की आदत की वजह से। इसीलिए हमें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो न सिर्फ हमें आने वाले कल का प्लान करना है बल्कि किसी भी काम को तुरंत करने की हैबिट डालना है, जिससे क्या होगा वो काम हमारा फिनिश हो जाएगा और आने वाले काम के लिए हम तैयार रहेंगे। तो अभी के एपिसोड में बस इतना ही।